तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्यो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमस्कारम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सपना एंड नवीन आर हियर अगेन टू वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल पीएलसी सुपवा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट डायबिटीज। नवीन, तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा वो डायबिटीज के बारे में है, और डायबिटीज किस वजह से होती है, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, योगासनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, या कुछ खाने पीने की आदतों से हम इसको ठीक रख सकते हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने स्थान पे बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएं और सबसे पहला जो हम आसन करेंगे वो रहेगा हमारा मंडूकासन, जिसमें दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे ऐसे। पहले ऐसे अंगूठे ऊपर की तरफ और ठीक अब अंगूठे नीचे की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथों को नाभि के दोनों साइड लगाएंगे, दोनों मुट्ठियों को, और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। सिर जमीन पे लगाएंगे और अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो सिर को थोड़ा सा हवा में रखेगा, ऊपर की तरफ रखेगा। रिलैक्स रिलैक्स करें। एक बार फिर इसी का अभ्यास करेंगे, हाथों की पोजीशन अच्छे से देख लें, दोनों अंगूठे ऊपर रखेंगे और फिर धीरे धीरे दोनों अंगूठों को नीचे मोड़ के मुट्ठियों को अंदर की तरफ रख के और धीरे धीरे नीचे झुक जाएंगे। बहुत बढ़िया। रिलैक्स रिलैक्स करें। इसमें ध्यान रहे, जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए, और जब धीरे धीरे जब ऊपर उठेंगे तो श्वास भरते हुए उठ जाएंगे। अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ पाए तो आप ऐसे सिंपल किसी भी सुखासन में बैठ के आराम से, और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के, ऐसे हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो एक दूसरे के हाथ को ऐसे ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत बढ़िया। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। अब हम पहले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे और फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो इसी कड़ी में दूसरा जो हम आसन करेंगे वो वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। उसके लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे मैट पे, मैट पे साइड में आ जाएंगे। हाँ, ऐसे। वेरी गुड। अब इसके लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि आसन हम अच्छे से कर पाएं, और आप धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर टिकाएंगे और सिर जमीन पर लगा के आएंगे। ये देख लें एक बार अच्छे से। वेरी गुड। चेंज दूसरी साइड, ठीक ऐसे ही आपको दूसरी साइड रखना है। वेरी गुड। 10-10 बार आपको इसको रिपीट करना है, 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड। इससे होता क्या है कि हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज खींचता है, उसकी मसाज होती है, और जो ये डायबिटीज हमारी है इसका मुख्य कारण हमारी पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है वो डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होने के कारण जो इंसुलिन उनके अंदर प्रोड्यूस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। रिलैक्स दूसरी साइड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे आप थोड़ा सा आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और जो हम अभी आसन जो करेंगे उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप भी कर लेते हैं। चलिए, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हमेशा दोनों साइड से बराबर करें। अगर इस साइड से आपने 10 टाइम्स किया है तो दूसरी साइड से भी 10 टाइम्स जरूर करें। बिल्कुल। तो अब हम करेंगे वक्रासन, और वक्रासन में क्या करेंगे, हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे वक्रासन में। ऐसे ही बैठ के दिखाएंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। वक्रासन में राइट पैर को ऊपर उठाएं और लेफ्ट पैर के साथ रख लेंगे। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को, और बाहर से घुमाते हुए
अपने पैर को पकड़ लेंगे और दूसरा हाथ रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पीछे और पीछे ही देखना। देखिए ये स्थिति रहेगी आपकी, पैर को आपको उठा के और घुटने के दूसरी साइड रखना है और दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा, हाथ पीछे रहेगा और श्वास भरते हुए और पेट को खींचना, ये वाला हिस्सा जो है ना, पेट वाला हिस्सा अच्छे से खींचना चाहिए। चेंज, ठीक है, सही दूसरी साइड इस पैर को सीधा कर देंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को और अपोजिट हैंड, ध्यान रहे जैसे ये लेफ्ट पैर था तो राइट हैंड को ऊपर उठा के बाहर की साइड से लेके आना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। ये वक्र आसन है, इससे भी हमारी पैनक्रिया जो होती है उसकी मसाज होती है और उसके अंदर जो डी जनरेशन हो गया है बीटा सेल का, वो धीरे धीरे रीजनरेशन होने लगता है और हम ठीक होने लगते हैं। चेंज दूसरी साइड, और ये जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है इसका फंक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करता है? जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो ग्लूकोज बॉडी में बनता है उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है ये हमारी बॉडी की सेल तक। अगर वो डिसबैलेंस हो जाए या फिर वो जो हमारी सेल बीटा सेल डीजनरेट हो जाती है, चेंज दूसरी साइड, तो उस वजह से वो फिर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का बैलेंस नहीं रहता और उससे हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। वेरी गुड, चेंज, रिलैक्स करेंगे एक बार। अब इसी में ये हमने किया वक्र आसन, इसी का थोड़ा सा एडवांस आसन है हमारा अर्ध मत्स्यंजरासन। तो अर्ध मत्स्यंजरासन में हम क्या करेंगे, पहले हम राइट पैर को अंदर मोड़ेंगे, पैर के नीचे लेके जाएंगे और लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के पास रख लेंगे। अब राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ ट्विस्ट कर जाएंगे और हो सके तो अपने हाथ को उठा के अपनी थाई पे पीछे की तरफ या कमर पे रख लेंगे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। दूसरी साइड, हर बार आपको ध्यान रहे कि जब भी आप पीछे की तरफ ट्विस्ट हो रहे हैं तो पेट को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से खिंच जाए। अब ठीक वैसे ही लेफ्ट पैर को नीचे लेके जाएंगे, राइट पैर को उठा के घुटने के बाहर की साइड रखना है और ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पैर को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया, इसमें क्या है कि जब हम ये पीछे खींचते हैं तो ये हमारा पूरा पोर्शन यहाँ से खींचता है। वेरी गुड, रिलैक्स, रिलैक्स करें। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी को, ध्यान से देख लें। तो जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो इसकी कमी जब हो जाती है, इसका कंट्रोल जब, इसी को करेंगे दोबारा से, हमारे पैनक्रियाज से इसका कंट्रोल जब कम हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल बार बार हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है और उस ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी से जो फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, आइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चेंज, दूसरी साइड, बहुत बढ़िया। इन आसनों का अभ्यास करके आप अपने पैनक्रियाज जो होता है उसकी मसाज कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं और उसके अंदर जो बीटा सेल जो डीजनरेट हो गई वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और उसको आप धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अब हम ठीक ऐसे ही लेट जाएंगे जमीन पे। एक आसन हम करते हैं मरकट आसन, मरकट आसन भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मरकट आसन के करने से भी हमारा पेट खींचता है, तो उसके एक दो वेरिएशन हम करेंगे जिसमें पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे। वेरी गुड, और अब घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, बहुत बढ़िया, दोनों घुटने एक साथ मिले रहें, दोनों टखने मिले रहें और दूसरी साइड देखना है, इससे हमारी जो ये पेट वाला हिस्सा अच्छे से खींचता है और इसके खींचने से जो हमारा पैनक्रियाज है और उसके साथ साथ दूसरे जो हमारे स्मॉल बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है,
ये भी साथ साथ में क्योर होते हैं। चेंज दूसरी साइड। मेनली टू टाइप्स इसकी जो है डिजीज की होती है, डायबिटीज की। एक होती है जिसमें आप हेरिडिटरी होती है, फैमिली से आती है, और दूसरी जो होती है उसमें हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती है, उस वजह से धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है और उस वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होने लगती है। चेंज। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, इसके लिए सबसे मुख्य जो कारण है वो तनाव है। तनाव के कारण हमारी फिजिकल एक्सरसाइज छूट जाती है, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल हट जाता है, और वो तनाव जो लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, मेनली जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, इन ग्लैंड्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। रिलैक्स। दूसरी साइड। इसको रोके रखेंगे आप श्वास भर के, और जितना मैक्सिमम आप अपनी यथाशक्ति रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर धीरे धीरे उसको वापस ले आएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम इसी में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, और घुटने लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। अब ध्यान रहे आपका कि घुटना सामने वाला जमीन पर टिक जाएगा और पीछे वाला जो घुटना है वो इनकी एड़ी और तलवे पर टिक जाएगा, और गर्दन अपोजिट साइड। और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ के खींचना है उसको, जितना ज़्यादा खींचेगा उतनी ही हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी मसाज होगी, टोनिंग होगी। चेंज। दूसरी साइड। डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। वेरी गुड। व्हाइल डूइंग एवरी आसन। जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो आप स्माइलिंग फेस के साथ करेंगे, मुस्कुराते हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी है और वैसे एक्सपेरिमेंट भी हमने किया है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, और आप जिस तरह का फेस एक्सप्रेशन अपने फेस पे रखते हैं, आपका फेस धीरे धीरे वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे ही बदलने लगता है। चेंज। दूसरी साइड। तो अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ रहेंगे तो आपके फेस के ऊपर वो जो हल्की सी मुस्कान है वो अपने आप झलकने लगेगी, तो ध्यान रहे हमेशा। और एक और चीज़ है, चेंज दूसरी साइड, कि आप जब मुस्कुराते हुए करेंगे तो थकान नहीं होगी आपको, ज़्यादा समय तक आप कर पाएंगे। वेरी गुड। ये मरकट आसन का ही वेरिएशन है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और राइट पैर को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट साइड जमीन पे टिका देंगे। वेरी गुड। गर्दन अपोजिट साइड। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, और जैसे कमर की एक्सरसाइज है या कमर में जो लोअर बैक में पेन रहता है उसके लिए भी आप ये आसन कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। चेंज। सीधा ऊपर उठा के लेके आएंगे और धीरे धीरे उसको नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी को दूसरे पैर से। और जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो डायरेक्ट किसी भी टाइप की शुगर ना लें, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के अंदर और ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप ऐसे फल वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिनमें थोड़ा सा मिठास होता है, ज़्यादा मिठास वाले फल नहीं लेने, ऐसे फल नहीं लेने जिनसे डायरेक्ट हमारी बॉडी में अंदर जाते ही जब भी वो डाइजेस्ट हों तो उनसे ग्लूकोज बन जाए और ज़्यादा ग्लूकोज, ऐसे स्लो जिनके अंदर डाइजेशन होता है और ग्लूकोज धीरे धीरे दूसरी साइड बनता है। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है इसमें आप जामुन ले सकते हैं, जामुन बहुत अच्छे रहते हैं बॉडी के लिए। और अगर उसको अगर जामुन का जब मौसम चला जाता है तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी गुठली वगैरह जो होती है उसके अंदर जो बीज होता है उसको पीस कर और उसका आप चूर्ण बना लेंगे, या फिर आप उसको अपने किसी उसमें पीस के रख लेंगे और दो दो चम्मच रोजाना गर्म पानी के साथ लेते रहें। रिलैक्स। रिलैक्स कर। वेरी गुड।
अब हम इसी में एक और वेरिएशन करेंगे, जिसके लिए आप राइट पैर को मोड़ के और लेफ्ट पैर के घुटने पर टिका लेंगे। राइट पैर को मोड़ के और लेफ्ट पैर को घुटने पर टिका लेंगे। अब घुटना लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड, इसको धीरे धीरे कमर को अंदर छोड़ते हुए उसकी तरफ लेके चेंज। दूसरे साइड, तो जैसे मैंने बताया कि आप जामुन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, या फिर उसकी घुटकी का पाउडर बना के और उसको आप यूज कर सकते हैं जब सीजन ना हो जामुन। साथ साथ ये रोजाना आपको योगा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। रोजाना अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे और आप अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे तो निस्संदेह आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको बैलेंस रख सकते हैं। रिलैक्स, एक बार फिर से इसी का अभ्यास हम दूसरी तरफ से करेंगे। ध्यान से देख लें और घर पे आप अपने इसका अभ्यास कर सकते हैं हमारे साथ साथ। रोजाना आपको नित्य नियम से ये देखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आपने घर पे, या फिर जैसे अभी तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो आपको घर पे ही रह के करना है। जब ये ठीक हो जाएगा तो आप रोजाना की सैर भी कर सकते हैं और ये रोजाना एक घंटे का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, दूसरी साइड, अच्छे से पैर को ऊपर टिकाने और घुटने को कोशिश करना है जमीन पर टिकाने की, गर्दन ऊपर। अब हम करेंगे धीरे से दोनों हाथों को नजदीक ले आएंगे और साइड में करवट लेंगे और बैठ लेंगे। अब किसी भी सुखासन में बैठ जाए, हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे कि कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इनको करने से क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं या पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है उसको हम दोबारा से कंट्रोल में ला सकते हैं। कड़ी में हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे वो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम में आपको तेजी से श्वास लेना है, तेजी से श्वास आपको छोड़ना है। तो एक बार खूब लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे। खूब लंबा श्वास भरना है और उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। आराम, बिल्कुल, जब हम खूब लंबे और गहरे श्वास की बात करते हैं तो बिल्कुल आराम से ही भरना और लय के साथ आराम से ही छोड़ना। अब भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि हम तेजी से श्वास लेंगे और तेजी से श्वास को हमें छोड़ना है। जैसे जब हम दौड़ के आते हैं तो वो एकदम से सांस चढ़ जाते हैं, मतलब तेजी से श्वास आते हैं, तेजी से हम छोड़ते हैं, तो वही प्रोसीजर अब हम यहाँ पे करते हैं। आपको तेजी से श्वास लेना है, तेजी से छोड़ना है और ज़्यादा जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे ही करना। शुरुआत में जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो आराम से करेंगे और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बिल्कुल आराम से करेंगे, एकदम से जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए खूब लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और हाथों की पोजिशन आपकी, कोई भी आप वायु मुद्रा बना सकते हैं। वायु मुद्रा में आप दोनों उंगलियाँ मोड़ के और अंगूठे के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप ये ध्यान मुद्रा है ये भी बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह के अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम वगैरह तो वायु मुद्रा बना लें, जैसे इन्होंने बनाई हुई है। दोनों उंगलियों को अंगूठों के नीचे रख लें आप शुरुआत में 3 मिनट 5 मिनट से लेकर
और 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इंगित है हमें इसका टाइम बढ़ाना है, एकदम से हमें नहीं करना है। एकदम से अगर आप करेंगे तो ये आपसे होएगा नहीं, और बॉडी के अंदर इतनी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो शुरुआत में आप धीरे धीरे तेज़ी और फिर इसको बढ़ाते जाएं, श्वास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया। अभी आपको यहाँ से सीखना है और फिर उसके बाद अपने आप इसको कर सकते हैं आप 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अगर इसका अच्छा इफेक्ट आपको देखना है तो 15 मिनट तक जब आप करेंगे इसका अभ्यास तो इसका पूरा इफेक्ट आपको मिलेगा। इसका वेरिएशन है, अगर आप हाथों की मूवमेंट से भी करना चाहें तो हाथों की मूवमेंट से भी कर सकते हैं, ताकि हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आ जाएंगे और जब पीछे लाएंगे तो दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके और मुट्ठियों के रुख ऊपर की तरफ, और ये हाँ ये आगे जाएँ तो दोनों हाथों को खोल देंगे और अंदर आए थे, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आपकी हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ साथ और भस्त्रिका का प्राणायाम भी। ऐसे ही आप हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ सामने की तरफ ना हिंदी बताएंगे तो इस तरह से आप साथ साथ हाथों का भी अभ्यास कर सकते हैं और भस्त्रिका का प्राणायाम। और ये जितना मैक्सिमम हो सके आप कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। नेक्स्ट फिर से लंबे गहरे सांस लेंगे, क्योंकि जब भी हम ये करते हैं तो बॉडी में खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ध्यान रहे गर्मी के दिनों में जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसके साथ शीतली और शीतकारी जिसको करना होता है, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ जाता है और पित्त से रिलेटेड बीमारियाँ जो है हमारी शरीर में बढ़ने लगती हैं। तो खूब लंबा गहरा श्वास किसी ठंडे स्थान पर बैठ के अपने ही घर में आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास कपालभाति। कपालभाति को प्राणायाम भी बोलते हैं और इसको शोधन क्रिया भी बोलते हैं। खूब लंबा गहरा श्वास भरेंगे अंदर और फिर उसको झटके के साथ बाहर निकालेंगे और फिर कंटिन्यूअस क्या करेंगे, बाहर निकालने के ऊपर ध्यान देते रहेंगे झटके के साथ। पेट की मूवमेंट जो है, पेट अंदर जाएगा हर बार और हाँ बस ऐसे। तो जैसे कि जो हठ योग ग्रंथों की अगर हम बात करें तो हठ योग के ग्रंथों में इसको शोधन क्रिया बताया गया है कपालभाति के, और 3 इसके प्रकार बताए गए हैं, वात कर्म, व्यूत कर्म और शीत कर्म। तो वात कर्म का अभ्यास हम करते हैं। वात कर्म में क्या करना है, हमें झटके से श्वास को बाहर निकालना है। तो ये कपालभाति जो है कपाल अंदर को शुद्ध करने के लिए और साथ के साथ हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी जो पैनक्रियाटिक जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेट होने लगती हैं। इसका लगभग आप 15 मिनट या 20 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी से वो रीजनरेट होने लगती है। और इसका एक और फायदा है, ये जैसे कि मैंने बताया कि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, तो जब ये हीट के स्ट्रोक्स जो लगते हैं उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है, जो कोशिकाओं की जो ग्रोथ होती है अनवांटेड, उसको भी रोकती है। और ये अगर जब आपने कभी कैंसर के बारे में सुना हो तो कैंसर में यही होता है, अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है, एक पार्ट में सेल ग्रोथ करने लग जाती है बहुत ज़्यादा और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड होती है। और उस वजह से फिर क्या है, हमारे आसपास के ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और दूसरी बीमारियाँ हमें लगने लगती हैं। तो ये जो कपालभाति का जो हम अभ्यास करते हैं, इससे वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल जो बनती है अनवांटेड सेल जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, और उनके रुकने से फिर हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए। और करने का तरीका जैसे मैंने बताया कि श्वास को बाहर छोड़ना है, बस आपको एक्टिवली उसको बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप जाएगा। अंदर जाते टाइम आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको बाहर निकालते टाइम ध्यान देना है।
पक्षियों की आवाज़ को आप महसूस कर सकते हैं, नेचर जो दोबारा से महकने लगा है इसको आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ महकने और खूबसूरत हो गया है, इट फील्स कंप्लीट। पहले ह्यूमंस सब चीज़ों को डोमिनेट कर रहे थे, हम इंसान हर जगह पहुंच जाते हैं, सब कुछ अपना यू नो वी कैप्चर एवरीथिंग। नाउ बर्डीज भी उतने एक्टिव हैं, एनिमल्स भी उतने एक्टिव हैं, इंसेक्ट्स भी काफ़ी एक्टिव हैं। अब सब का बराबर सा हक हो गया है, मतलब या जैसे पक्षियों का भी उतना ही हक है हमारा भी, क्योंकि बीच में मानव ने इतना हस्तक्षेप कर दिया था नेचर के साथ कि वो सारी चीज़ें खत्म होने लगी थी, वो चिपने लगे थे सारे जीव जंतु। अब वो फिर से अपना उनका राज आ गया है, दोबारा से वो चहकने लगे। चलिए इसी कड़ी में जैसे हमने दो प्राणायाम किए, अब इनसे हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे ताकि हमारी बॉडी दोबारा से ठंडी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ताकि जो बाकी जो प्राणायाम है तो वो कर पाएँ। उसके लिए आप जीभ को बाहर निकालेंगे और जीभ को बाहर निकाल के और उसको पाइप नुमा बना लेंगे, ऐसे ध्यान रहे पाइप नुमा बना के, और उसके अंदर से आपको हवा भरनी और धीरे धीरे पूरी हवा भरेंगे। वेरी गुड। और मुंह को बंद कर लेंगे, होठों को बंद कर लेंगे और बंद करके और फिर उसको श्वास को यथाशक्ति जितना आप रोक सकते हैं रोके रखना है, फिर धीरे धीरे उसको अपनी राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट राइट नोस्टिल्स को बंद करके और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्टिल से बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे आप जीभ को जब ऐसे फोल्ड करते हैं पाइप नुमा बनाते हैं, तो उसके साथ जो लार जो होती है उसके ऊपर जो लार होती है वो लार हमारे श्वास के साथ अंदर जाती है, और जैसे ही वो श्वास के अंदर जाती है तो और फिर हमारे लंग्स से वो हमारे हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर वो हमारी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करती है और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उसके टेम्परेचर डाउन होने से हमारी पूरी बॉडी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या फिर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आप उसको करेंगे तो आप हाइड्रेटेड हो जाएंगे। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे, शीतली प्राणायाम इसका नाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम बिना किसी मेडिसिन या फिर और चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी भी अगर आप जानवर को देखेंगे, ज़्यादातर हमने नेचर से सीखा है, अगर आपने गाय को देखा हो, आपने भैंस को देखा हो, अगर आपने किसी कुत्ते को देखा हो, तो जब भी वो कुछ के शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल लेता है, जीभ को बाहर निकाल के और फिर उसके ऊपर से श्वास लेता है। तो जीभ के ऊपर से जब वो श्वास लेता है तो वो जो उसके जो कण होते हैं लार के वो उसके बॉडी के अंदर जाते हैं और उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। तो वहीं से हमने सीखा है, ये वैसा ही प्राणायाम है, हम ऐसे जीभ को बाहर निकालते हैं। चलिए हमारे अंदर क्योंकि थोड़ा सा दिमाग है तो हमने इसको और थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, क्योंकि किसी भी जीभ से अगर हम श्वास बाहर अंदर खींचेंगे तो ज़्यादा लार नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, हम फिर से इसी का अभ्यास कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्टिल से इसको बाहर निकाल, और अब हम करेंगे शीतकारी, दोनों दांतों को बंद कर लेना, दोनों दांतों की रो जो उसको बंद कर लेना है और धीरे से श्वास को दांतों के अंदर से भरना है। इससे हमारे जो वही हमने शीतली में किया, जो हमारे दांतों के अंदर से जो लार है या फिर जीभ के ऊपर जो लार है वो लार अंदर जाएगी, साथ ही साथ हमारे दांतों को भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारा ये प्राणायाम है, क्योंकि अगर जब हम श्वास लेते हैं अंदर तो वो ऑक्सीजन हमारे दांतों के अंदर से जाती है और उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कीटाणु ख़त्म हो जाती है, डायरिया वगैरह जैसी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं, और इसको आप नेचुरल माउथ फ्रेशनर कह सकते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे लेफ्ट नोस्टिल से बाहर करो। आप जरूर करें जब भी आप कपालभाति और भस्त्री का अभ्यास करते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा हीट गर्मी हमारी शरीर के अंदर पैदा होती है, उस गर्मी को ठीक रखने के लिए ये दोनों प्राणायाम उसके बाद हम कर सकते हैं। चलिए
अब हमने दो प्राणायाम कर लिए, तो दो आसन और कर लेते हैं। दोनों पैरों को सामने खोलिए, क्योंकि एक साथ अगर हम जब आसन करने लगते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो लगातार नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कुछ हिस्सों में बांट के और फिर से करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल लेंगे, चक्की आसन करेंगे, हम चक्की चालन करेंगे, दोनों हाथों को आपस में ग्रिप कर लेंगे और धीरे धीरे फिर श्वास निकालते हुए आगे जाएंगे और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आपके हाथ दोनों पैरों के ऊपर से जाना चाहिए, और पीछे जब भी जाएंगे तो आपकी कोहनियाँ नहीं मुड़नी चाहिए, आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, कमर को पीछे झुकाना है, बहुत बड़ी, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका था जो हमारा चक्की चलाने का या था पीसने का पुराने ज़माने में, जो हमारे दादी नानी हमारी वो ऐसे ही चक्की पीसा करती थी, चक्की से वो चून अपना जो आटा पीसा करते थे, उस वजह से क्या होता था उनका जो ये वाला हिस्सा बिल्कुल फिट रहता था, वो उसमें पूरा जोर लगता था आगे की तरफ यूँ खींचते थे, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि उससे हमारी जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती थी बच्चे की या फिर हमारे पेट की मूवमेंट अच्छे से हो जाती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको यहीं से रिवर्स करना शुरू करें दूसरी साइड से, इससे भी जब हम आगे झुकते हैं और पीछे खींचते हैं तो पैनक्रियाज जो होता है उसकी मसाज होती है, ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया है, ये आप आसानी से कर सकते हैं घर पे, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आगे की तरफ झुकेंगे तो मैक्सिमम कोशिश करनी है आगे की तरफ खींचने की, और पीछे जाएंगे तो हाथों को सीधा रखना, कमर दर्द जिनको ज़्यादा है वो आगे ज़्यादा नहीं झुकेंगे, वो आराम आराम से शुरुआत नहीं करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाए इसको आप बढ़ा सकते। तो ये चक्की आसन आसान सा है, आप घर पे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे गोमुख आसन। गोमुख में क्या करना है, राइट पैर को मोड़ लेंगे और अपने नितंब के पास हिप्स के पास लेके जाएंगे और दूसरा पैर उसके ठीक ऊपर मोड़ लेंगे, घुटना एक दूसरे के ऊपर आ जाए, घुटना एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो जो दो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेके जाएंगे और दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करके और फिर सामने मुस्कुराते हुए सामने देखेंगे। इससे भी हमारा ये वाला पूरा हिस्सा खींचता है, ये वाला, ठीक है, इससे हमारे लंग्स की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, लंग्स के लिए भी बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ ये डायबिटीज में खूब आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप शुरुआत में कर सकते हैं इसको ऊपर तक हाथ रख सकते हैं, धीरे धीरे आप एक उंगली को दो उंगली को और अच्छे से हाथ को पकड़ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार दूसरी साइड। और अब की बार आप हाथों की पोजीशन भी देख सकते हैं, दोनों पहले वही लेफ्ट पैर को अपने नितंब के पास लेके जाना है, इसके पास लेके जाना है, दूसरे पैर को ऊपर और जो पैर ऊपर है उसको ऊपर उठा लेंगे हाथ को और दूसरे हाथ में। तो ये गोमुख आसन है और गोमुख आसन हमारी डायबिटीज में भी खूब हेल्प करता है, साथ ही साथ जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बढ़िया है। अब फिर से बैठ जाएंगे और कुछ और हम प्राणायाम और एक बंद का भी हम अभ्यास करेंगे, और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि तीन बंद होते हैं हमारे शरीर में, एक मूल बंद होता है जो कि हमारे गुदा द्वार से गुदा द्वार को सिकोड़ के जब हम लगाते हैं, दूसरा उड़ियान बंद होता है जिसमें हम अपने पेट को खूब अंदर खींच लेंगे, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा और उसको वहाँ पे होल्ड कर लेंगे, और तीसरा जो बंद है वो हमारा जलंधर बंद होता है जो हमारे कंठकूप में लगता है। तो ये तीन अलग अलग बंद हैं, इनका अपना महत्व है, जैसे जलंधर बंद हमारे शरीर के अंदर कफ को कंट्रोल करता है, और जो उड़ियान बंद लगाते हैं उससे पित्त कंट्रोल होता है, और जो मूल बंद है
से वात कंट्रोल। तो इसमें हम करेंगे उड़ियान भर, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन इसमें हमारा पेन किया जाता है, तो इस पोर्शन को हमें अंदर खींचना है। श्वास को खूब लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, खूब लंबा गहरा श्वास अंदर भरिए और बिल्कुल पेट को खाली कर देना, और खाली करके और पेट को पूरा अंदर खींचे, जितना मैक्सिमम खींचे। ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल पीछे अपनी कमर पे लगा दिया पेट को। तो ऐसे ही आपको, इससे आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा और साथ के साथ डायबिटीज में बहुत बढ़िया हेल्पफुल है। धीरे धीरे फिर उसको छोड़ दें, उड़ियान बंद बोलते हैं। हठ योग में इसका वर्णन मिलता है, हमारे योगियों ने इन बंदों का वर्णन किया है और अच्छे से इसके फायदे भी बताए हैं। बहुत ज़्यादा फायदे हैं इस बंद के अगर आप सीख लेते हैं। एक बार फिर से इसका अभ्यास करके दिखाएंगे। खूब पेट को पूरा अंदर खींच लेना, बिल्कुल अंदर चला जाए, आपकी आते बाहर दिखने लगे, नहीं ये रिब्स बाहर दिखने लगे, आते तो अंदर ही रहेंगे, आते तो बाहर दिखने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रिब्स आपकी साइड से दिखने लगे, ठीक है। Sometimes it happens, it's completely fine. Yeah. तो हम आते नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ रिप्स दिखाएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे, लास्ट टाइम श्वास को पूरा भरेंगे पहले और बाहर निकाल लेंगे और पेट को पूरा अंदर खींचेंगे। बहुत गजब का फायदा है इस उड़ियान बंद का। जितने भी पित्त के रोग होते हैं ना, सारे पित्त का समन होता है, तो पित्त के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। पेट के अंदर जलन रहना, आंतों का खराब होना, लीवर के अंदर प्रॉब्लम आना, पैनक्रियाज के अंदर, रिलैक्स। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, जैसे कि हमने ध्यान का जो सेशन किया था, ध्यान की जो टेक्निक सिखाई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये तनाव इसका मुख्य कारण है और उस तनाव को दूर करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान सबसे जरूरी प्रक्रिया है, जिसको आप करके अपने आप मन को और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे जैसे तनाव कम होने लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो पैनक्रियाज की जो है एक्टिविटी बढ़ने लगती है और वो सेल दोबारा से रीजनरेट होने लगती है। तो आपको ध्यान का जरूर रोजाना 20-20 मिनट का सुबह से हम अभ्यास करना है, वो बहुत फायदेमंद होगा इसके लिए। जैसे ध्यान की बात की नवीन आपने, लोगों को लगता है कि हम ध्यान क्यों करें, ये बहुत ही ऐसा सवाल है जो, क्योंकि उनको उसका शायद गहराई महत्व नहीं पता है, तब लोगों को लगता है कि हम ध्यान क्यों करें। तो अगर आपको उसके फ़ायदे अभी नहीं पता है, क्योंकि वो तो करने से ही होगा, अगर आपको उसके फ़ायदे जो आपको मिलेंगे, जो ध्यान वैदिक मेडिटेशन हमने आपको सिखाई है, आप उसको ये देखें, जैसे बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, द पीपल दोज हु आर लिविंग अ गुड लाइफ, यू नो, गुड लेविश लाइफ, दे एंजॉय एवरी मोमेंट, स्पेसिफिकली पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे हैव दिस एक्सरसाइजिंग कल्चर इन देयर हैबिट, एंड नाउअडेज मेडिटेशन, ध्यान इज बिकमिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। सेलिब्रिटीज हो गए, आई वर्कड विद देम, सो दीज पीपल हैव मेडिटेशन एज अ कल्चर इन देयर लाइफ, दे डोंट वर्शिप, मेडिटेशन इज देयर वर्शिप। तो आप और कुछ नहीं तो वैसे लाइफ स्टाइल में जस्ट फील लाइक, यू नो, वाई नॉट, लाइक पीपल हैव दिस, लाइक यू नो, सीनियर पीपल, दोज आर डूइंग सो वेल फॉर देम सेल्व्स एंड फॉर अदर्स एज वेल, वाई नॉट टू पिक अप अ गुड हैबिट फ्रॉम देम, सो इट्स अ गुड हैबिट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन यू नो मी वाइल doing it, you'll feel, you'll get the benefits, you'll realize it, how beneficial it is, and you'll keep on doing it. और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी हो गया आज के दिन, क्योंकि मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, क्योंकि True. mental activity सबसे ज़्यादा की जाती है, हम physical इतना नहीं कर पाते, mental activity ज़्यादा रहती है, तो अभी क्या है कि हमारा mental capability तो खूब सारी बढ़ी, और जो हमारी physical level की activity कम होने के कारण हमारी जो physical capability है वो कम होती जा रही है, और फिजिकल कैपेबिलिटी कम होने के कारण वो एक इम्बेलेंस सा हो गया है हमारे मन और हमारे शरीर के बीच में, और उस इम्बेलेंस के कारण ये समस्याएं सारी पैदा हो रही हैं, तनाव पैदा हो रहे हैं, और साइकोसोमेटिक डिजीज जो आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है वो सारी इसी कारण होती है। तो ये हम रोजाना अगर इसका अभ्यास कर लेंगे हम, तो निश्चित रूप से ठीक रह पाएंगे, और ये तनाव डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कारक है इसको एक्टिवेट करने में, अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे
और स्वस्थ रहेंगे, रोजाना एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये बीमारी आपको कभी नहीं लगेगी। चलिए और नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, बीच की दोनों उंगलियां हम आंखों पे टिकाएंगे, ऊपर वाली माथे पे और नीचे होठों पे, और कानों के ढक्कन बंद करके, कानों की लोब्स जो होती हैं उसके ऊपर, कान के अंदर ध्यान रहे, कान के अंदर कभी भी आपको उंगली या फिर कुछ भी नहीं डालना होता है, तो अंगूठा भी अगर लगाएंगे तो लोब को बंद करते हैं, और तीन बार अंदर के अंदर हम ओम का उच्चारण करते हैं। अंत में हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, खूब लंबा गहरा श्वास भर के और वैदिक ध्वनि ओम के साथ। चलिए शुरू करते हैं। गरम करके और आँखों के ऊपर लगाएंगे, कप नुमा बना के अंदर आँखें खोलेंगे, बंद करेंगे, एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करिए। जो उष्मा है उसको अपने आँखों के ऊपर लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आँखों के साइड में दो जो पॉइंट हैं उनको इसे रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, से दोनों हाथों को करने की आपस में रख रहे, और इनसे जो ऊष्मा जो पैदा होती है ये एक तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब दोनों फर्स्ट फिंगर से कानों के दोनों साइड में, इससे हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है, और साथ ही साथ हमारी ब्रेन के अंदर इसमें ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और फिर साइड में दोनों कानों को बाहर की तरफ खींचेंगे, इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे और गर्दन को नीचे से ऊपर, गर्दन को साइड से और गर्दन को नीचे से। था हमारा आज का सेशन जो कि डायबिटीज़ पे आधारित था, इसमें जो दो तीन चीज़ हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपनी डेली रूटीन को सुधारें, अपने खान पान को ठीक रखें, और ये जो एक्सरसाइज व्यायाम हमने बताए हैं ये करें, और ध्यान का अभ्यास नित नियम से करें तो आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। डायबिटीज़ से जिनको नहीं हुई वो दूर रख सकते हैं, और जिनको हो गई है वो अपने उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। फिर से मैं ये चीज़ दोहराऊंगी, आप अपने बॉडी के डॉक्टर खुद हैं। यू डोंट नीड द डॉक्टर्स। आई एम नॉट
troubling their business, but still, you don't need the doctors. You can treat yourself with your own health. So please be the doctor of your body and take care. Have a beautiful life and have a very big smile on your face all the time. It is very essential, the most important thing in life, to have a big smile on your face. आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ठीक हो जाती है. आपके ब्रेन को हमेशा मैसेज जाता रहता है, नहीं नहीं सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड, ऑल इज वेल. यस, थ्री इडियट्स, ऑल इज वेल. तो इसीलिए हमेशा बड़ा सा स्माइल चेहरे पे रहे हर सिचुएशन में. सो लाइफ इज ब्यूटिफुल. आजकल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल हो गई है, यू एज एवरीबॉडी कैन सी. तो नमस्ते फ्रॉम आवर साइड. Enjoy, have fun, love yourself, respect yourself, and help as many people as you can in the day. Good day.